तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं मुझे एक यहां पर स्क्रैच कार्ड मिल चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहां पर कैशबैक के ऊपर क्लिक कर देता हूं, उसके बाद यहां से सबसे पहले मैं स्क्रैच कार्ड को यहां पर ऑन करता हूं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं 10 रुपया बिल्कुल फ्री में पेटीएम में मिल चुका है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप पेटीएम चला सकते हैं, यानी अगर आप भी पेटीएम में अपना बैंक अकाउंट को ऐड करना चाहते हैं और आप पेटीएम से किसी को पैसा वगैरह सेंड करना चाहते हैं और आप पेटीएम से रिचार्ज करके पैसे वगैरह कमाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। ए टू जेड के डिटेल के साथ मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चले गाइस बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपने सिंपली करना कुछ नहीं, आपको सिंपली मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर पेटीएम एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आपने सिंपली उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको प्ले स्टोर के अंदर ले जाएगा, आपने मेरे लिंक से डाउनलोडिंग करना है, तभी आपको यहां पर साइन इन कर दे, आपको पेटीएम अकाउंट पर 10 रुपया फ्री में मिलने वाला है। तो चलेगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने डाउनलोडिंग करने के बाद आपने सिंपली सबसे पहले पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। जैसे आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों आपका जो भी मोबाइल नंबर है आपने सिंपली यहां पर मोबाइल नंबर को एंटर कर देना। यहां पर स्क्रीन थोड़ा ब्लैक हो चुका है, यहां पर कोई प्राइवेसी वजह से यहां पर ब्लैक हो चुका है, मैं वीडियो बना रहा हूं इसी वजह से। आपने सिंपली सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर करना, उसके बाद कंटिन्यू ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपने सिंपली यहां पर अलाउ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना, उसके बाद फिर से अलाउ कर देना है। तो दोस्तों फिर से अलाउ करने का तो कुछ इस तरीके से यहां पर देख सकते हैं, यहां पर कुछ इस तरीके से आपके मोबाइल नंबर से वेरीफाई होगा, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों लिंक माय बैंक अकाउंट एक्टिव यूपीआई, तो दोस्तों आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से यहां पर प्रोसेसिंग लेगा। आपका जो भी मोबाइल नंबर आप वहां पर एंटर किए हैं उस मोबाइल नंबर से जो भी बैंक अकाउंट लिंक रहेगा वो यहां पर प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद आपका बैंक अकाउंट एक ही मिनट में कुछ ही मिनट में ऐड हो जाता है। तो दोस्तों आपने सिंपल यहां पर सबसे पहले वेट करना। तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं आपके सामने आ जाएगा, तो आपने बैंक सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपल यहां पर नीचे सबसे पहले यहां पर बैंक सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद आपने सिंपल डन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों सबसे पहले डन वाले ऑप्शन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो दोस्तों आपने सिंपल सबसे पहले यहां से सबसे पहले आपने किसी भी दोस्त को 1 रुपया आपने सेंड करना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको लैपटॉप के साथ यहां पर अपना एक नाम को दोस्त का फ्रेंड का नाम यहां पर सर्च करके मैं आपको 1 रुपया सेंड करके दिखाता हूं। जैसे मैं यहां पर 1 रुपया सेंड करूंगा मुझे 10 रुपया तुरंत ही मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले मैं यहां से किसी को 1 रुपया सेंड कर देता हूं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं जैसे मैं पेटीएम एप्लीकेशन में 1 रुपया या फिर 10 रुपया सेंड करूंगा तो मुझे तुरंत ही 10 रुपया कैशबैक बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। सबसे पहले मैं अपना यूपीआई पिन नंबर यहां पर पिन नंबर को एंटर कर देता हूं, उसके बाद जैसे मैं यूपीआई यानी पिन नंबर को एंटर करूंगा उसके बाद मुझे यहां पर 10 रुपया तुरंत ही मिल जाएगा। जैसे यहां पर सेंड हो जाएगा उसके बाद 10 रुपया मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं मुझे एक यहां पर स्क्रैच कार्ड मिल चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहां पर कैशबैक के ऊपर क्लिक कर देता हूं, उसके बाद यहां से सबसे पहले मैं स्क्रैच कार्ड को यहां पर ऑन करता हूं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं 10 रुपया बिल्कुल फ्री में पेटीएम में मिल चुका है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप पेटीएम में अपना अकाउंट बना सकते हैं और आप पैसा वगैरह किसी को भी सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना।